हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चावल के आटे और बहुत सारी सब्जियों का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब है चावल का आटा और इसमें हम डालेंगे काफ़ी सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने पत्ते वाली गोभी ली है, प्याज ली है, बीन्स ली है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और साथ में हरा धनिया है। तो इसमें आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और भी और इसमें से कोई भी आप इसमें सब्जी हटा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उसके अनुसार इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और सभी सब्जियों को डाल देंगे हम इस चावल के आटे के साथ और इसके साथ डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब ऑरिगेनो, साथ में यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, केवल 2-3 चीज़ें ही इसमें मैं डालने वाली हूँ। और ये मैंने नमक भी डाल दिया है और मिला देंगे अच्छे से। पहले हम बिना पानी के मिलाएंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पहले से बिना पानी के मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को बिना पानी के मिक्स कर लिया है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल आटे की तरह तैयार करेंगे, जैसे हम आटा गूंद के तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गून लिया है और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये रह गया था तो ये भी इसमें ऐड करना ज़रूरी है जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये आटे की तरह तैयार कर लिया है, लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन डो बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल या घी डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से गून लेते हैं ताकि ये डो बिल्कुल क्लीन सा हो जाए। अभी चिपक रहा है ये हाथों में। और यहाँ पर मैंने तेल के साथ भी आटे को अच्छे से मिला लिया है और अब इसकी हम बनाएंगे कचौड़ियाँ या फिर मठियाँ कह सकते हैं आप इसे। जैसे हम मट्ठी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तुरंत ही बनाना है, आटे को हमें रेस्ट करने के लिए रखना नहीं है, तुरंत ही बना लेंगे। तो हाथों पे थोड़ा तेल लगा के इस तरीके से छोटी सी लोई बनाएंगे नींबू के आकार की और इसे प्रेस कर देंगे। तो बस हमारी एक इस तरीके से ये टिक्की बन के तैयार हो गई है, मट्ठी भी कह सकते हैं आप इसे। बिल्कुल मट्ठी की तरह ही इसे बनाना है। तो बहुत सारे इसी तरीके से हम सभी आटे के बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल के आटे की सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है और चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है, तेल यहाँ पर मीडियम गरम हो गया है और एक एक करके टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे और अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। और जब ये एक तरफ से अच्छी फ्राई हो जाएगी तो इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पलट लिया है और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया इनमें, बहुत ही देखने में इसमें सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो बस इतना ही फ्राई करना है क्योंकि ये कलर में ही वाइट है तो ये बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा इसका फ्राई करने पे। तो बाकी सारी टिक्कियाँ भी इसी तरीके से मैं फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी टिक्कियाँ फ्राई करके तैयार कर ली है। तो इस तरीके से आप ये चावल के आटे का नाश्ता ज़रूर बनाएं, खाने में स्वादिष्ट है, देखने में भी बहुत ही बढ़िया सा लगता है देखने में। ये देखिए कितना सुंदर सा इसका टेक्सचर है, ऊपर से ही बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से नाश्ता बनाएं, इसे शाम की चाय के साथ बनाएं, फटाफट तैयार हो जाता है, चाय बनते बनते ही नाश्ता बन जाएगा। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी।